जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले में एक बार फिर आतंकी हमले ने क्षेत्र में दहशत फैला दी है। आतंकियों ने वाडरगामा रफीबाद इलाके में स्थित पुलिस पोस्ट पर फायरिंग कर दी। इस हमले के बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की, हालांकि अब तक किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। इससे पहले उधमपुर जिले में भी आतंकियों ने पुलिस बल और विशेष अभियान समूह की संयुक्त टीम पर हमला किया था, जिसमें केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के इंस्पेक्टर कुलदीप सिंह शहीद हो गए थे। यह हमला उस समय हुआ था जब सुरक्षा बल वसंतगढ़ के डूडू इलाके में गश्ती कर रहे थे। अचानक हुई फायरिंग में इंस्पेक्टर कुलदीप सिंह को गोली लगी और अस्पताल ले जाते समय उनकी मौत हो गई। जम्मू कश्मीर में आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था और सख्त कर दी गई है। घाटी में अतिरिक्त जवानों की तैनाती की जा रही है और संवेदनशील इलाकों में 3 स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था लागू की जा रही है। इन उपायों का उद्देश्य चुनाव के दौरान किसी भी तरह की आतंकी गतिविधियों को रोकना है। आतंकी हमलों के जरिए घाटी में अशांति फैलने की कोशिश की जा रही है, लेकिन सुरक्षा बल पूरी तरह मुस्तैद है और किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार है।